दोस्तों अब हम आ गए हैं मंदिर श्री चरण पादुका में, यानी कि वही स्थान जहां पर माता रानी के सबसे पहले कदम पड़े थे जब बाबा भैरव उनके पीछे पड़ गए थे। तो माता रानी जब इस पर्वत पर आई तो उनके सबसे पहले जो कदम थे वो इसी स्थान पर रखे गए थे, इसलिए इस मंदिर का जो नाम है आज के वक्त में चरण पादुका रखा गया है। जब कभी भी भक्तगण बाण गंगा से आगे की तरफ आते हैं तो ये कह सकते हैं आप कि अर्धकुंवारी पहुंचने से पहले और बाण गंगा के बीच में ये वाला स्थान हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भक्तगण बैठे हैं, पास की दुकानें जहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह मिलेगा, और यहाँ से जो नीचे वाला नज़ारा है उसको भी हम थोड़ा कैप्चर कर लेते हैं। सामने की तरफ लाइटिंग वगैरह आपको दिख रही हैं, ये पूरा वही हिस्सा है जहाँ पर मॉर्निंग में हम अपनी ट्रेन से उतरे थे। और अब हम थोड़ा आगे की तरफ चल रहे हैं, आते हुए भक्तों के इन थकान वाले चेहरों को हम देख पा रहे हैं और खुशी खुशी हम माता रानी का नाम लेते हुए आगे जा रहे हैं। इस प्रकार के खाने के काफ़ी सारे पॉइंट्स स्थान स्थान पे बनाए गए हैं जहाँ से आप भोजन कर सकते हैं, पेट पूजा कर सकते हैं, और देसी घी का खाना मिलेगा आपको यहाँ पे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पंडित सर्वेश्वर विश्राम स्थल है इन द मेमोरी ऑफ लेट श्रीमती विद्या देवी जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस व्लॉग में जिन भी चीज़ों को हम कवर कर सकें, बीच बीच में पीने के पानी की और शौचालय की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों यहाँ से जो नज़ारा हमें दिखाई दे रहा है कटरा का, वो काफ़ी ज़्यादा लुभावना है। हमारी जो जर्नी है वो नीचे वहाँ से शुरू हुई थी और घूमते घूमते चरण पादुका पर अब हम आ चुके हैं। बाहर का नज़ारा अमेजिंग, स्टनिंग और बहुत ज़्यादा लुभावना लाइटनिंग के साथ में भरा हुआ है। बहुत देर सफ़र करने के बाद में हमारी जो भूख थी वो हमारा इम्तिहान ले चुकी थी और हमने फाइनली सोचा कि अब हमें खाना खा लेना चाहिए। दाल आ रही है बिल्कुल सादी, ज़्यादा हैवी खाना खाएंगे नहीं क्योंकि इसके बाद आगे हम कंटिन्यू कर पाएंगे, फिर हमारा पेट भर जाएगा। खाना खाने के बाद में चलते रहे, थकते रहे, बैठते रहे, और एक सूचना आपको देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आपको बीच बीच में लिखा हुआ मिलेगा कि नंबर ऑफ स्टेयर्स, कहीं पे उनके नंबरिंग लिखे होंगे, कहीं पे नहीं लिखे होंगे, और कई जगह पे आपको इस प्रकार का पाथवे दिखाई देगा। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि जाते समय आप लोग इस पाथवे का यूज़ करें और उतरते समय आप इन सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यदि चढ़ते समय आप इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे ना दोस्तों, तो आपके इन नीज वाले पॉइंट पे और इधर वाले हिस्से में आपके पेन शुरू हो जाएगा और जो आपकी यात्रा है ना वो और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगी। तो यात्रा आपकी है, सुरक्षा आपकी है, दिल आपका है, दिमाग आपका है, माता रानी सबकी है, जय माता की। रास्ते में एक का एक मंदिर मिलते जा रहे हैं तो हम अपनी वीडियोस में उन्हें कैद भी कर रहे हैं। सामने की तरफ इच्छापूर्ण माँ भगवती दर्शन मंदिर हमें दिखाई दिया, बाहरी नज़ारा भी बहुत सुंदर है और इसकी जो गाथाएं हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर होंगी। तो हम यहाँ पर भैया जी मिले, जय माता दी भैया जी। जय माता दी। थोड़ा सा मंदिर की जो महिमा है उसके बारे में बताइए ना लोगों को। माता रानी सर्व जगह है, मन से मांगोगे तो घर में भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, सर्वव्यापी है, इसलिए यहाँ पे इच्छा पूर्ण, मन से मांगोगे तो जो मांगोगे वही मिलेगा, मन से नहीं मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इस मंदिर को बनाए हुए कितने साल हो गए हैं? 36 साल। उससे पहले मंदिर या अस्तित्व में नहीं था या था पहले से भी? ये प्राइवेट मंदिर है, आश्रम की मंदिर है, आश्रम का मंदिर। ठीक है, आपका शुभ नाम? शिवचरण। आप यहाँ के पुजारी हैं? मैं झाड़ू पोछा लगाता हूँ। ठीक है, शुक्रिया भैया, धन्यवाद। तो मन से मांगी गई इच्छा यहाँ होती है पूर्ण, इसलिए यहाँ का नाम है इच्छा पूर्ण। काफी सारी दुकानें, खाने पीने की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने वाली है, जरूरत की सारी चीज आपको मिलेंगी। और एक अच्छा जो व्यू है वो सामने का लाइटिंग आपको जो दिखाई दे रही है वो अलग अलग पॉइंट्स हैं माता रानी दरबार पे जब हम पहुंचते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को हमें देखना है।
रास्ता अभी काफ़ी लंबा है, अभी तो हम सही तरीके से अर्धकुंवारी भी नहीं पहुंचे हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या देखना बाकी है। दोस्तों बाणगंगा से आगे चलते चलते हम लोग पहुंच गए थे चरण पादुका पे, और यहाँ पे अश्विनी भाई ने हमें बीच में रोका। एक बार तो हमें डर गए कि पता नहीं यार किसे रोका है, लेकिन भाई ने बोला कि जितनी थकान अपने साथ में आप लेकर आए हो ना, उसको कुछ ही देर में हम कर देंगे गायब। तो हमने पूछा कैसे, तो आपके सामने बैठे दोस्तों, पीछे की तरफ गर्दन, बैक और पैरों में जो प्रेशर पड़ रहा है ना, ओए होए, ऐसा लग रहा है दोस्तों कई सालों की जो थकान है ना शरीर की, वो बिल्कुल निकल गई है। और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में, मात्र 20 रुपये में ये मसाज की चेयर है ये, और ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कुछ देर बैठा रहता हूँ बोलते बोलते सो जाऊँगा मैं। तो जब कभी भी आप वैष्णो धाम आएँ और थक जाएँ, तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे पॉइंट्स बने हैं, सेंटर बने हैं, उसको ज़रूर बैठेगा और अपनी बॉडी की थकान मिटाइएगा। दोस्तों तकरीबन 10:30 का वक्त हो चुका है और हमारे साथ में एक छोटी सी जो घटना है वो हो ये गई है कि जो हमारा तीसरा मित्र था यानी कि मनीष, वो हमसे या तो आगे रह गया है या पीछे रह गया है, ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन वो तकरीबन आधे घंटे से हमारे साथ में नहीं है और उसका लगेज भी हमारे पास है और उसके पास पैसे भी नहीं है। और यहाँ पर हम तीनों के फ़ोन में जो सिम है ना, वो सिम किसी की भी एक्टिव नहीं है, वर्किंग में नहीं है, तो हम एक दूसरे साथ में कॉन्टैक्ट में नहीं है। मैं और योगी बस साथ में हैं और अभी हम हर पॉइंट पे उसको ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं पर वो हमें मिले और हम फिर से साथ में आए। तो मैं माता वैष्णो से सबसे पहले यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो दोस्त है वो हमें जल्दी जल्दी मिल जाए, ताकि हम तीनों मिलकर दर्शन कर सकें। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो यात्री हैं वो ऐसे पालकी में सफ़र करके अपना पूरा आ रहे हैं, रास्ते में काफ़ी सारी दुकानें हैं, यहाँ पे रौनक बहुत है। और आप 24 घंटे में से किसी भी वक्त यदि आप यहाँ पर आते हैं, तो आपको इतने ही जो सैलानी हैं, भक्तगण हैं, वो चढ़ते हुए दिखाई देंगे और इतने ही सैलानी भक्तगण उतरते हुए दिखाई देंगे। बस फ़र्क इतना होगा कि जो सैलानी चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके चेहरे पर स्माइल है, माता रानी के दरबार में पहुंचने की मन्नत इच्छा है, और जो उतर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा सफ़र है। तो उसके लिए आप इस प्रकार की ये घोड़ा गाड़ी कर सकते हो, पालकी कर सकते हो, सुविधा बहुत सारी आ गई है। तो अभी हम लोग बाणगंगा से होते हुए अर्धकुंवारी के रास्ते के मध्य हिस्से पहुँच चुके हैं और खाने पीने की जो सुविधा है वो यहाँ पर भरपूर है, तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है खाने पीने की। कितने रुपए का घोड़ा? ये बाबू जी वही 1250। 1250 का सरकारी रेट घोड़े का, लेकिन हम जा रहे हैं बिना घोड़े के। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें कवर करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय माता दी और हमारा दोस्त हमें मिल जाए।